और नवे अध्याय में कहा मनुष्य को जीना कैसे चाहिए, आठवें अध्याय में कहा मनुष्य को शरीर कैसे छोड़ना चाहिए। भगवान को बोले कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और विचार करे तो अपने स्वरूप का बोध भी प्राप्त कर सकता है, मुक्त भी हो सकता है। जब भगवान ने इंसान को बनाया, देवी देवता बनाए, 33 करोड़ कोटि जीवों का किया सृजन, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। भागवत में आता है मनुष्य को बना के भगवान निहाल हो गए, बड़े प्रसन्न हुए कि ये तो हमारा ही रूप बन गया। तो मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, अंत समय में कैसे शरीर का परित्याग करना चाहिए। भगवान बोले जो जीवन में मेरा स्मरण करता रहता है, नाम जपता है, ध्यान करता है, कीर्तन करता है, पूजन करता है, गीता वेद रामायण हनुमान चालीसा ये सब पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, मंदिर में भी भक्त जाता है, तो ऐसा रोज अभ्यास करता है, तो जब उसका अंत समय आता है, क्योंकि वो तो रोज ऐसे ही करता है, तो अंत समय में जो रोज करता है उसका अंत में ध्यान उसी का आएगा।